हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर सेकेंड सेशन ऑफ स्पोक इंग्लिश आई रियली होप आप सबने फर्स्ट सेशन से काफी कुछ सीखा है और आपने उसको अपने डेली लाइफ में अप्लाई भी किया है याद रखिएगा स्पोकन इंग्लिश इफ नॉट अपलाइड इन योर डेली लाइफ विल रियली कम टू नथिंग एट द एंड ऑफ द कोर्स सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू इमीजिएटली अपलाई वट एवर आई टीच हेयर यहाँ पर मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगी आपके डेली लाइफ सेंटेंसेस आपके डेली uh, लाइफ में बनने वाले सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स एंड वकैबलरी ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल बी टेकन केयर ऑफ इन दिस पर्टिकुलर कोर्स बट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू प्रोमिस मी इज दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई वट आई टीच हेयर इन दिस कोर्स एज सुन एज यू लीव द क्लास ओके दैट्स द टाइम दैट यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग एंड टू एंश्योर दैट यू रियली अप्लाई वट यू लर्न इन दिस क्लास वट वी आर गोइंग टू डू इज हम क्या करने वाले हैं मैंने हमारा ये जो बहुत प्यारा सा ऐप है ठीक है सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ऐप आप, आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि मैम ये ऐप कहाँ चल रहा है ठीक है एवर एग्जाम ये ऐप है बच्चों दिस ऐप एवर एग्जाम ठीक है आप इसको डाउनलोड कर लेंगे इस पर हमारा कोर्स आ रहा है अभी फिलहाल ये इनिशियल स्टार्टिंग प्राइस है सो इट इज़ एट अ हेवीली डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ थ्री एंड आफ्टर सम टाइम आफ्टर द ऑफर एंड दिस प्राइस इज गोइंग टू गो बैक टू आइदर फाइव और नाइन नाइन्टी इज़ इट्स एक्चुअल कॉस्ट प्राइज अगर आप इसका कोर्स कंस्ट्रक्शन का प्राइस देखेंगे सो so दिस Is going to be the cost price, okay? So, quickly enroll into the course if you think you need to improve on your spoken English skills, if you think that you have to get rid of this fear, you have to overcome this fear of spoken English and develop your confidence to the next level, be it in your daily life or for your um, examinations, all right? So, now let me uh, elaborate a little about the features of this course. एम डब्ल्यू एफ़ इसका शेड्यूल ही हमने एम डब्ल्यू एफ़ इसलिए रखा है ताकि एक दिन का आपको कूलिंग पीरियड मिले जहाँ पे आपने जो कुछ भी सीखा है आप उसको उस दिन भी और उसके अगले दिन भी अप्लाई करते चलें ठीक है सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू हैव ऑल्टरनेट डेज क्लास एम डब्ल्यू एफ दो महीने तक आपका ये कोर्स चलेगा और इसकी वैलिडिटी आपके पास फोर मंथ्स की होगी इसकी वैलिडिटी बच्चों आप लोगों के पास फोर मंथ्स की होगी नाउ द स्पेशल फीचर ऑफ आर ऐप हमारे ऐप का जो स्पेशल फीचर है मैं आप लोगों को बीच बीच में होमवर्क दिया करूँगी और उस होमवर्क को आप लिखेंगे लिख के आप अपलोड करेंगे एंड सबसे अच्छी बात ये है जैसे स्कूल में कॉलेज में आप लोगों की कॉपी चेक होती है इंडिविजुअल कॉपीज पे आप लोगों को फीडबैक मिलता है उसी तरह से मैं आप लोगों को बीच बीच में होमवर्क देती रहूंगी कुछ ना कुछ आपको लिखने कहूंगी ठीक है अब आप बोलेंगे कि मैम ये रिटर्न बैच थोड़ी है देखो जब आप लिखेंगे तो लिखने के साथ साथ बोलते हुए आप लोगों को लिखना है ठीक है बोलते हुए आप लिखेंगे ये प्रॉमिस आपको करना है सिंसियरिटी पूरी हंड्रेड परसेंट होनी चाहिए ठीक है फिर बोलते हुए जो आप लिखोगे वो लिखी हुई चीज में क्या गलती है क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए किस पर्टिकुलर सेक्शन पर आपको काम करना है वो सारी चीज में खुद फीडबैक एज अ फीडबैक मैं लिख के उसको अपलोड कर दिया करूंगी तो ये हमारे ऐप की सबसे खास बात है कि आप लोगों को पर्सनलाइज्ड और होमवर्क के अकॉर्डिंग होमवर्क वाइज एवरी स्टूडेंट वाइज आप लोगों को फीडबैक मिलता चलेगा ठीक है so, सो आइए चलिए हम लोग देखते हैं अपना सेकेंड क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश ना कमिंग टू द वेन वी टॉक अबाउट सेकेंड क्लास देखो सबसे पहली बात तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था अगर हम रिकैप देखें तो हमने फर्स्ट क्लास में क्या देखा था Let me take a quick recap. I am, है ना? एम so, जब हम कहते हैं ठीक है हम पहले सेंटेंस से शुरू कर रहे हैं so, I am. I am के ठीक है आप अपने बारे में कुछ बता रहे हैं विशेषता बताया तो आपने स्मार्ट लिख दिया इसके अलावा अगर आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ तो आप कहेंगे आई एम स्टूडेंट आप कहेंगे आई एम अ स्टूडेंट राइट सिमिलरली आई एम इस स्ट्रक्चर को यूज करके हम लोग अभी मौजूदा समय में जो काम कर रहे हैं जो भी काम हम कर रहे हैं उसको कहने के लिए भी हम आई एम और इसके साथ में वर्ब का वी वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म यूज़ कर लेते हैं ठीक है जैसे आई एम टीचिंग आई एम स्टडिंग आई एम लर्निंग आई एम वेटिंग मैं इंतजार कर रहा हूँ ठीक है आई एम स्लीपिंग मैं सो रहा हूँ आई एम स्टडिंग मैं पढ़ रहा हूँ तो अभी फिलहाल जो एक्शन आपका चल रहा है वो बोलने के लिए लेकिन इसके अलावा इसके अलावा हम लोग और एक चीज़ जो करते हैं वो ये है कि आई एम और इसके साथ में एक स्ट्रक्चर आ गया गौना एक स्ट्रक्चर आ गया आपका आई एम गौना राइट सो आई एम गौना ये किसका शॉर्ट फॉर्म है गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म है है ना और इसके साथ में एम गोना जो आप भविष्य में अभी निकट भविष्य में आपने सोच लिया है और आप करने वाले हैं है ना आपने अभी निकट भविष्य में सोच लिया है और आप अभी करने वाले हैं तब आप गोइंग टू या फिर गोना यूज कर सकते हैं ये रहा हमारे पिछले क्लास का रिकैप अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आई हैव वाली स्ट्रक्चर्स हैव ये जो वर्ब होता है है ना इसके तीन फॉर्म्स है और हैड क्योंकि हम आय ज्यादातर हमें अपनी डेली लाइफ में अपने बारे में चीजें बोलने की जरूरत पड़ती है सो so, मैं आय वाले सेंटेंसेस पहले आपको बता रही हूँ और फिर उसके बाद में हम लोग जैसे जैसे आप कोर्स में एनरोल हो जाएंगे तो हर एक सब्जेक्ट के साथ में बदलते हुए समय के साथ में बदलते हुए एक्शन के समय के साथ में हमें कौन सा वर्ब यूज करना है वो हम देखते चलेंगे अभी फिलहाल आप पहले आय का बेस बनाइए ठीक है So, देखिए हमने क्या देखा हमने देखा हैव हैव के क्या क्या मीनिंग होते हैं ठीक है सबसे पहली बात तो हैव का मीनिंग होता है जब आपके पास कोई चीज है जब आपके पास कोई चीज है तो आप क्या दिखा रहे हैं अधिकार दिखा रहे हैं राइट अधिकार दिखा रहे हैं एंड ट्यून्ड लास्ट में मैं आप लोगों को अपने डेली लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंसेस भी बताने वाली हूं तो पहले हम थोड़ा सा अपना सेंटेंस बनाना सीखेंगे और फिर उसके बाद में हमारे डेली लाइफ में रोजमर्रा की लाइफ में जो सेंटेंसेस हमें यूज करने के लिए जरूरत पड़ती है हम वो भी देखेंगे ठीक है so, सो अधिकार होना एंड आई हैव के बाद में जैसे आई एम गोना हम कहते हैं आई एम गोना स्टडी आई एम गोना वर्क आई एम गोना स्लीप आई एम गोना वॉच अ मूवी मैं मूवी देखने वाला हूं मैं सोने वाला हूं मैं खेलने वाला हूँ मैं पढ़ने वाला हूं है ना तो पढ़ने जा रहा हूं या पढ़ने वाला हूं मतलब जो चीज आपने निकट भविष्य के लिए डिसाइड कर रखा है राइट यहाँ पे क्या होता है जो अभी निकट भविष्य में आपका एक्शन कंप्लीट हो गया है आई हैव वॉच दिस मूवी ये मूवी तो मैंने देख लिया है

उसके बाद में एक बार आय का आप सीख गए आय का बहुत आसानी से सीखेंगे कारण अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हम बहुत जल्दी उनको कैच करते हैं तो इसीलिए हम आई से रिलेटेड सेंटेंसेस देखेंगे मीनिंग्स के साथ एक बार ये देख लिया फिर इसी के बेस पर इसी के आधार पर बाकी सभी सब्जेक्ट्स और बाकी सभी टेंसेस के साथ हम लोग इन स्ट्रक्चर्स को कंस्ट्रक्ट कर देंगे आइए चलिए देखते हैं हम लोग है ना सो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से कि इन दोनों वाक्यों में क्या फ़र्क है अगर मैंने कहा I am a teacher, and I have a teacher. I हैव अ टीचर है ना, सो so, यहाँ पर ये विशेषता बता रहा है आई के बारे में आई एम अ टीचर ये इसके बारे में विशेषता बता रहा है एंड आई हैव अ टीचर मतलब मेरे पास एक टीचर है अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंग्लिश कहाँ से सीख रहा है इंग्लिश तो इतनी अच्छी कैसे बोल ले रहा है है ना कुछ दिन के बाद improvement शुरू हो जाएगा बच्चों ने पहले वाले बैच में भी एकदम शानदार इंप्रूवमेंट दिखाया है पहले जो हमारे क्लासेज हुए हैं उन क्लासेज में बच्चों ने बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल एज इन Confidence and presentation दिखाया है, है so, आप भी, जैसे ही आप पंद्रह बीस दिन एक महीने तक क्लास लेंगे रेग्यूलर फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी करते रहेंगे जो मैंने बताया लर्निंग इंग्लिश और राधा लर्निंग एनी स्किल जस्ट लाइक ड्राइविंग अ वहीकल आई होप यू रियली अंडरस्टैंड वॉट ड्राइविंग अ व्हीकल इज है ना मैं कितना भी आपको बताऊं कि ये ए बी सी है ये एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच है इसको ऐसे करना है इसको ऐसे करना है लेफ्ट देखना है राइट right देखना है ये सारी चीज़ें कितना भी बताऊं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप खुद ड्राइव नहीं करेंगे वो भी एक बार ड्राइव कर लिया गाड़ी उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा भी नहीं है आपको दो चार बार दस बार कुछ गलतियाँ आप करेंगे लेकिन गलतियाँ गलतियाँ करते हुए आपको सीखना है बिल्कुल इसी तरह से कोई भी स्किल सीखा सीखा है एंड स्पोकन इंग्लिश भी एक स्किल है स्पोकन इंग्लिश भी एक स्किल है और मैंने मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया है, है. पढ़ने की जरूरत नहीं है. बिना complete grammar के भी आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से से बोलना सीख सकते हैं. और इसका उदाहरण आपका रिलेट कर दिया था बताया था ना आपको कि जो भी आपकी मातृभाषा है यू आर एबल टू स्पीक इट वेरी फ्लुएंटली and the same will happen with english that's what we are going to do here we are going to cultivate an environment where you can learn as well as practice your language right chalo coming back to the टॉपिक सो so, हमने कहा आई एम अ टीचर जब मैंने कहा आई एम अ टीचर तो मैं एक टीचर हूँ ये मेरे बारे में विशेषता बता रहा है लेकिन मैंने कहा आई हैव अ टीचर मतलब मेरे पास एक टीचर है जो हमें स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा है है ना और उसके बाद में अगर मैंने कह दिया आई हैव के बाद में वर्ब सीधा वर्ब आ गया आई हैव टॉट मैंने सिखाया है आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्पोकन इंग्लिश है ना क्या पढ़ाया है बताने की जरूरत पड़ेगी तो वो एडिशनल चीज हम ऐड करेंगे आई होप ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई है ठीक है अब देखिए आई हैव आई हैव के बाद में अगर नाउन आ जाता है कोई चीज़ तो ये क्या दिखाता है ये सिंपली दिखाता है आई हैव ये वर्ड्स यूज करके आप क्या दिखाते हैं एंड ये स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा कोर्स है उसमें आपको पीडीएफ भी मिलेगा हर क्लास का पी मिलेगा सो दैट यू नो वॉट वी हैव लर्न इन द क्लास एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्सिक्वेंटली प्रैक्टिस इट आफ्टर द क्लास और सो Uh, uh, यहाँ पे जब आई हैव ये होता है तो हम क्या इन्फॉर्म कर रहे होते हैं हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हमारे पास कुछ है हमारे पास कुछ है ठीक है सो आई आप पोजेशन दिखा रहे होते हैं क्या दिखाते हैं आप पोजेशन दिखा रहे होते हैं राइट right? नाउ अगर आपको बोलना है कि मेरे पास एक बाइक है तो देखिए आप सेंटेंस कैसे कहेंगे आई हैव एंड नाउन नाउन यहाँ पे लिखा तो था लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे ये यह आर्टिकल के साथ में आएगा अ uh, या yeah? एन आर्टिकल के साथ में आएगा ठीक है तो मेरे पास एक बाइक है या मेरे पास बाइक है यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास बाइक है यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है लेकिन आपको इंग्लिश में लिखते वक्त आई हैव अ बाइक आई हैव बाइक नहीं लिखेंगे आई हैव अ बाइक आई हैव अ कार आई हैव अ फ्रेंड आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड आई हैव अग हाउस राइट आई हैव अ गवर्नमेंट जॉब राइट सो आई हैव अ गुड टीचर इस तरह से आप अपना यहाँ पे बता सकते हैं पोजेशन अगला सेंटेंस देखिए मेरे पास एक अच्छी कार है अब सिमिलरली आपके पास एक कार है आपने बता दिया लेकिन अगर आप उस कार की विशेषता बताना चाहते हैं तो आप इस तरह से उस कार के सामने ही अपने जो भी विशेषता बताने वाले शब्द है उसको लिखकर आप सेंटेंस कह सकते हैं मेरे पास एक कार है आई हैव अ कार मेरे पास एक अच्छी कार है आई हैव अ नाइस कार आई हैव अ नाइस कार क्विकली कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस फटाफट से आप प्रैक्टिस करते चलेंगे मेरे पास एक घर है मेरे पास एक घर है या मेरे पास घर है भी सेंटेंस होगा तो भी उसका इंग्लिश आप लिखेंगे मेरे तो भी आपका इंग्लिश में नाउन के पहले आर्टिकल आता है अगला so, सेंटेंस मेरे पास एक संगणक है टेक्निकल वर्ड हो गया है, है ना सो आई है इसको क्या कहते हैं कंप्यूटर हम इंग्लिश में और हिंदी दोनों जगह कंप्यूटर कह सकते हैं ठीक है जब आप पढ़ते हैं तो किसी एग्जाम वगैरह के लिए ऐसे कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं आप लोगों के सामने है ना चलिए नाउ अब यहाँ पे देखो मुझे सिरदर्द है अब हम ये नहीं कहते हैं कि मेरे पास एक सिरदर्द है है ना हम ये नहीं कहते मेरे पास एक सिर दर्द है मेरे पास एक पेट दर्द है आ, हाँ आपकी मम्मी आपको कभी कभी कह सकती है अगर आप अपनी मम्मी को तंग करते हैं पापा को तंग करते हैं है ना सो so, मेरे पास एक सिर दर्द है सो दैट इज तो मतलब हम uh, एक तरह से कहते हैं एक uh, व्यंगात्मक रूप में या ऐसा कास्ट के लिए हम कहते हैं ठीक है लेकिन एक्चुअली में सर दर्द हमारे पास हो नहीं सकता मैं होता है है ना सो so, इस केस में भी हम आई हैव कहते हैं ठीक है आई हैव अ एक सो यहाँ पे have का मीनिंग क्या है कि आपको कोई चीज महसूस हो रही है उस वक्त है ना सो आई हैव अ हेडेक वो हो गया अभी फिलहाल आपको है ना सो so, वो चीज आपको अभी फिलहाल महसूस हो रही है सो so, आप इसी तरह से कह सकते हैं आई हैव अ हेडेक आई हैव अ टूथ एक अगर दांत में दर्द है पेट में दर्द हो रहा है तो आप कह सकते हैं आई हैव अ स्टमक एक राइट सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ जब भी अभी जस्ट हाल ही में बीते हुए एक्शन की बात आपको करनी है अभी अभी हाल ही में कोई एक्शन बीता है सो so, आप आई हैव के साथ में वर्ब का वी थ्री फॉर्म यूज़ करेंगे इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं इसको आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है ये नोट्स है इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है क्योंकि आगे चल के जब आपको चीज़ों की समझ होगी है ना फिर उसके बाद में जब आप वापस से नोट्स को रिवाइज करेंगे तो ये चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी अभी फिलहाल बस आप ये देखिए कि कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम यहाँ पे वर्ब वी थ्री फॉर्म में यूज़ करेंगे ठीक है

मैंने मैंने यह किया है मैंने यह किया है या यह मैंने किया है तो हम कैसे कहेंगे आई मैंने किया है आई हैव डन इट अगला सेंटेंस देखिए मैंने उसके बारे में मैंने उसके बारे में पहले वर्ब देखो आपको पिछली क्लास में बताया था कि हिंदी में हमारा जो वर्ब होता है वो लास्ट में आता है लेकिन इंग्लिश में आपको सब्जेक्ट के बाद लगाना होता है ना सो आप देखिए यहाँ पे पहले मतलब बिफोर पहले मतलब बिफोर सुना है सबसे पहले इसको सुना है खाया है पिया है अगर बोला है खाया है ठीक है अगर कह रहा है खाया है तो ये ट्रांसलेट किस में होगा हैव ईटन खाया है हैव ईटन लिखा है तो आप क्या लिखेंगे लिखा है तो आप इसको लिखेंगे हैव रिटन हैव रिटन है ना बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे क्या है देखो सुना है मतलब हैव हर्ड हैव हर्ड किसने सुना है आई है है, ना, ठीक उसके बारे में उसके बारे में इसके लिए हमारे पास इस पूरे चीज के लिए उसके बारे में है हमारे पास बारे में अबाउट ठीक है बारे में अबाउट उसके बारे में अबाउट हिम उसके बारे में अबाउट हिम पहले है ना सो बिफोर आई हैव हर्ड अबाउट हिम बिफोर मैंने उसके बारे में पहले सुना है मैंने उसके बारे में पहले सुना है आइए चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं मैंने सच बोला है बोला है मतलब हैव और सच की बात हम कर रहे हैं तो स्पोकन या टोल्ड आई हैव टोल्ड या आई हैव स्पोकन आई हैव टोल्ड या आई हैव स्पोकन सो आई हैव स्पोकन द ट्रुथ मैंने सच बोला है बोला है आपने लिखा है uh, ठीक है? किसने बोला मैंने, किसने बोला मैंने और क्या बोला है सच बोला है सो द ट्रूथ आइए चलिए अगला सेंटेंस देखिए फटाफट -फड़ से द नेक्स्ट सेंटेंस नाउ मैं उसका नाम भूल गया हूं भूल गया हूं है ना सो फॉरगॉटन ये देखते ही तुरंत आपके दिमाग में मैं मैं उसका नाम भूल गया हूं, गया हूं, have forgotten, है ना मैं सो आई फॉरगॉटन इतना याद आ गया अब क्या भूल गया है हर नेम मैं उसका नाम भूल गया हूँ आई हैव फॉरगॉटन हर नेम अगला सेंटेंस देखिए मैंने वह किताब पढ़ ली है पढ़ ली है पढ़ लिया है की बात है सो हैव रेड आई हैव रेड वह किताब दैट बुक यह किताब दिस बुक वह किताब दैट बुक आई आपके पास होती है तो आप कहते हैं दिस बुक लेकिन अगर आपके पास दूर है या आप बताना चाहते हैं उसकी ओर इशारा करना चाहते हैं दूर है वो तो आप कहते हैं दैट बुक है ना नाउ मैंने यह चॉकलेट पहले भी पहले भी है ना खाई है खाई है खाया है राइट सो so, है यह चॉकलेट दिस चॉकलेट आई हैव ईटन दिस चॉकलेट पहले भी मतलब बिफोर मतलब पहले या पहले भी बिफोर पहले या पहले भी हमने क्या कहा बिफोर आइए चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं मैंने तुम्हें माफ कर दिया है मैंने तुम्हें माफ कर दिया है हैव फॉरगिवन माफ करने के लिए हम कहते हैं फॉरगिव वी3 फॉर्म है इसका फॉरगिव फॉरगिव फॉरगिवन आई हैव फॉरगिवन यू जा मैंने तुझे माफ कर दिया है ना सो आई हैव फॉरगिवन यू ये पढ़ लो <laughs> की तो बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती होगी तुम लोगों को ठीक है चलिए आ जाइए ना मैंने तुम्हें पहले देखा है देखा है ना ओके सो मैंने पहले भी आ गया है सो बिफोर वर्ड देखो बिफोर कितनी बार आ रहा है ना हम बिफोर को यूज करना जान गए हैं, राइट right? तुम्हें पहले देखा है और ये बिफोर अक्सर यहाँ पे लास्ट में आ रहा है आई हैव सीन यू बिफोर मैंने तुम्हें पहले देखा है आई मैंने तुम्हें पहले देखा है अगला सेंटेंस देखते हैं मैंने यह कविता लिखी है लिखी है have written. एंड uh, आई uh, मैंने एक कविता एक कविता हमने कहा है सो आई हैव रिटन अ पोयम आई होप ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों के कंस्ट्रक्ट होना शुरू हो गए हैं आपके दिमाग की रीवायरिंग शुरू हो गई सेंटेंसेज अपने आप आपके दिमाग में बनना शुरू हो गए जैसे ही आपका दिमाग इंग्लिश में सोचना शुरू कर देगा तो इंग्लिश बोलने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगेगी बस हमें यहाँ वाला जो चावी है वो कसना है ठीक है यहाँ वाली जो चावी है वो कसना है गे? डरेंगे बिल्कुल भी नहीं कि सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं ठीक है डरेंगे बिल्कुल भी नहीं जो आ रहा है मन में बोलो गलती करोगे तभी सीखोगे ठीक है चलो आ जाओ देन कमिंग टू द इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस ये भी मैं आप लोगों को कोर्स के पूरे कोर्स के दौरान ये भी बातें मैं आप लोगों को सिखाते चलूंगी ठीक है कि डेली यूज सेंटेंसेज जो है क्योंकि कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो आपके आसपास होती रहेंगी और आपको तुरंत उसको बोलने की जरूरत पड़ेगी अब उसमें पता नहीं क्या क्या ग्रामर लगेगा या कौन सी वोकैबलरी यूज होगी है ना तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा डेली यूज सेंटेंसेज रेगुलर बेसिस पे करते चलेंगे ठीक है ताकि हम इसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई भी कर सके अब देखिए सबसे पहला मैं सहमत हूं जब आपको ये कहना है मैं सहमत हूं, ये बच्चे सबसे ज़्यादा जो भी जीडी की तैयारी कर रहे हैं जो भी बच्चे ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं बहुत सारे आप में से कितने बच्चे ये कहते हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई एम अग्री बहुत सारे बच्चे बोलते हैं आई एम अग्री आई एम अग्री विथ यू ये गलत है आई एम अग्री नहीं होगा हमने अभी पिछले ही क्लास में देखा था कि एम के बाद में अगर वर्ब आएगा तो वो वी वन प्लस आई एन जी फॉर्म में आएगा है ना तो आपको आई एम अग्रींग सहमत हो रहा हूं नहीं कहना है वो अभी उस वक्त हो, हो रहा एक्शन नहीं मतलब ऐसा नहीं है कि जब तक आप बात कर रहे हो तब तक सहमत हो और फिर उसके बाद में जैसे ही वो पर्सन पलट के जाएगा आप उससे सहमत नहीं होंगे है है ना ना वो बाद में भी होगा तो ये एक स्टेट हो गया सो so आप क्या कहेंगे आई अग्री रिमेंबर दिस इज अ वेरी स्मॉल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस एंड मोस्ट ऑफ यू मेक मिस्टेक्स इन दिस सेंटेंस ठीक है डेली लाइफ में कई बार आपको दिन में कहीं ना कहीं तो बोलना ही पड़ता है हर एक पर्सन को दिन भर में एक बार तो एटलीस्ट बोलना पड़ता है सो आई एम अग्री नहीं कहेंगे आप क्या कहेंगे मैं सहमत हूँ आई अग्री मैं सहमत हूँ आई अग्री ठीक है मैं उससे सहमत हूँ अगर पर्सन से आपको बोलना है कि मैं उससे सहमत हूँ सो so आप कहेंगे आई अग्री विथ हिम मैं तुमसे सहमत हूँ आई अग्री विथ यू अब इसका सेंटेंस आप मुझे बताएंगे मैं अपने दोस्त से मैं अपने दोस्त से सहमत हूं यह सेंटेंस आप सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताएंगे मैं अपने दोस्त से सहमत हूं ठीक है चलिए देन द नेक्स्ट वन मैं आपसे सहमत नहीं हूं जब आपको नहीं कहना है तो आप क्या करेंगे सो so हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐड uh, uh, करेंगे सहमत ना होना बताने के लिए आई डोंग्री विथ यू मैं आपसे सहमत नहीं हूं आई डोंट अग्री विथ यू आई डोंट अग्री विथ यू ना मुझे आशा है मुझे आशा है इस चीज के लिए हम कहते हैं आई होप उम्मीद करता हूं मुझे आशा है इन सभी चीजों के लिए हम लिखते हैं आई होप ठीक है काश आई विश लेकिन उम्मीद करता हूं या मुझे आशा है इसके लिए आप लिखेंगे आई होप आई होप मुझे आशा है कि तुम समझ गए होगे आई होप या आई होप यू अंडरस्टैंड दोनों भी कह सकते हैं उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं ठीक है सो so, समझ रहे हैं प्रेजेंट पे अगर आपका फोकस होगा सो so आप कहेंगे आई होप यू अंडरस्टैंड उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं या समझ गए होंगे या समझेंगे मतलब भविष्य के लिए भी जब आपको बोलना है तब भी आप अंडरस्टैंड कह सकते हैं लेकिन पीछे बीती हुई बात अगर आ, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए है ना तब आप कहेंगे आई होप यू अंडरस्टूड जैसे अभी फिलहाल मैंने आपको कुछ बातें बताई और मैं आपसे पूछूंगी आई होप यू अंडरस्टूड आगे चल के आप समझेंगे मुझे नहीं मैं अभी कह रही हूँ क्योंकि अभी मैंने इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया तो अब मैं आपके समझ जाने की बात कर रही हूं तो मैं कह सकती हूँ आई होप यू आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन है ना ऑल राइट चलिए देन मुझे आशा है मुझे आशा है कि देखो इस चीज के लिए हमने क्या लिखा आई होप है ना सिंपल सी बात आई होप आप, आप अब आप मुझे समझ गए होंगे अब लिख दिया है है ना सो आई होप यू अंडरस्टैंड और मुझे यहां पे हमने क्या देखा था मुझे उम्मीद है कि आप मुझे आशा है कि तुम मुझे समझ पाओगे है ना अच्छा अच्छा ठीक है यहाँ पे पाओगे था है ना तो भविष्य के लिए था इसीलिए यहाँ पे अंडरस्टैंड था ठीक है सो मुझे आशा है कि तुम मुझे समझ पाओगे आई होप यू अंडरस्टैंड भविष्य के लिए है ना क्योंकि आपने मान लीजिए कुछ एक्शन लिया है ना आपने कुछ डिसीजन लिया तो आप भविष्य में किसी से आशा करते हैं कि वो आपको समझेगा आगे चल के या समझेगी तो आप ये सेंटेंस कह सकते हैं बीते हुए एक्शन के लिए आप अंडरस्टूड आपका वी टू फॉर्म लिखेंगे है ना चलिए आइए व मुझे आशा है कि आप मुझे स, अब आप मुझे समझ पाओगे आई होप यू अंडरस्टैंड Me, now देखिए बिफोर मैंने पहले भी उसे देखा है आई हैव सीन हिम बिफोर अब आप मुझे समझ पाए होंगे तो आप देख पा रहे हैं कि ये नाउ बिफोर ये शब्द अक्सर लास्ट में आ रहा है ये शब्द अक्सर लास्ट में आ रहा है ठीक है बिगिनिंग में भी आ सकता है हम उसके भी सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स देखेंगे लेकिन यहाँ पर देखो जब सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो आप बिफोर और नाव जैसे शब्दों को सेंटेंस के लास्ट में प्लेस कर सकते हैं क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ अब ये क्वेश्चन है है ना क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ सो so, पूछना है ना अब यहाँ पे आप परमिशन ले रहे हैं है ना हम कहते हैं ना आई कैन सिंग मतलब मैं गा सकता हूँ आई कैन डांस मैं नाच सकता हूँ सो so, आपकी कैपेबिलिटी दिखाने के लिए परमिशन के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं कैन है ना आप क्या पूछेंगे कैन अब पूछना पूछना आस्क कैन आई आस्क यू समथिंग कुछ कुछ के लिए आपने क्या लिखा अच्छा अब देखो क्या और सकता ये कंबाइन होके बना कैन और ये सेंटेंस के शुरुआत में आ गया ये सेंटेंस के शुरुआत में आ गया कैन फिर उसके बाद में मैं कैन आई वर्ब जो लास्ट में आता है उसको आपको यहां पे लिखना है सो कैन आई आस्क आपसे है ना तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा किससे पूछना है आपसे तो आपके लिए यू क्या पूछना है समथिंग कैन आई आस्क यू समथिंग आपने क्या लिखा कैन आई आस्क यू समथिंग राइट चलिए द नेक्स्ट वन मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता फिर से आ गया ठीक है और नहीं ये किसके साथ में कंबाइन हो रहा है इसके साथ में है ना किसके साथ कंबाइन हुआ इसके साथ में और ये क्या बन गया कांट और वर्ब क्या है इंतजार करना ठीक है इंतजार करना ये वर्ब है सो वेट आई कांट वेट अब और अब और मतलब एनी लॉन्गर अब और एनी लॉन्गर है ना सो so मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता आई कांट वेट एनी लॉन्गर जैसा आप लोगों के साथ में होता है जब रिजल्ट आने वाला होता है, है ना चलिए आइए द नेक्स्ट वन क्या तुम तो मजाक कर रहे हो हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हुआ यानी कि क्वेश्चन है यानी कि जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो भी आपका किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा अब आप बोलेंगे कि मैम हेल्पिंग वर्ब क्या है ये इज एम आर कैन कोड ये सब क्या है ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं ठीक है ठेके? ये जो छोटे छोटे वर्ब्स आते हैं एक्शन के साथ में इसी को हम कहेंगे हेल्पिंग वर्ब ठीक है सो क्या तुम तो मजाक कर रहे हो मजाक करना इसके लिए ये वर्ड है किडिंग और ये तो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं यू किडिंग क्या तुम तो मजाक कर रहे हो क्या तुम तो मेरा पागल बना रहे हो इसके लिए भी हम कहते हैं यू किडिंग मी है ना मतलब क्या तुम तो मेरा पागल बना रहे हो क्या तुम तो मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो सो आई यू किडिंग मी ठीक है चलिए ना जुबा पर ही है लेकिन याद नहीं आ रहा है ऐसा हम सबके साथ में होता है कि कोई तो चीज होती है जो हमारी जुबा पर ही होती है लेकिन याद नहीं आ रही होती है ना तो थोड़ी देर के लिए आप कोई चीज भूल रहे होते हैं सो so उसके लिए हमें अब यहां पे आ गया कैबलरी का रोल ठीक है सो so हमें एक ईडियम यूज करना है इसके लिए टिप ऑफ माई टंग ठीक है राधर नॉट जस्ट टिप ऑफ माई टंग हम लिखेंगे ऑन द टिप ऑफ माई टंग ठीक है अब ये पूरा पूरा ईडियम है ऑन द टिप ऑफ माई टंग मतलब हमें पता है ऐसा नहीं है कि हम भूल गए हैं ठीक है पता है लेकिन बस अभी फिलहाल याद नहीं आ रहा है जैसे होता है ना हमारा मेमोरी फ्रीज हो जाता है सो इट हैपेंस विद आई होप आप है साथ में हुआ होगा है ना सो so कोई चीज़ जो आपको याद है आपको पता है बस अभी फिलहाल तुरंत ऐसे जुबा पे नहीं आ रहा है है ना सो so उसके लिए इट इज इट इज मतलब जुबा पर ही है लेकिन याद नहीं आ रहा है इन सभी चीजों को पूरी तरीके से बताने के लिए पूरी तरीके से इट इज इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग इट इज ऑन द टिप ऑफ माई टंग चलिए आइए नाउ आपका इस मामले या बात या मुद्दे ठीक है कुछ भी आप बोल लीजिए आपका इस मामले से कोई लेन देन नहीं है या कोई मतलब नहीं है हम कई बार बोलते हैं ना कोई जबरदस्ती टांग लड़ा रहा होता है हमारे मैटर में तो हम बोलते हैं कि माइंड योर ओन बिजनेस एक तो हम बोलते हैं कि अपने काम से काम रखो ठीक है दूसरे हम कभी कभी ये भी बोलते हैं देखो वही बात बोलने के कई तरीके हैं हम दो चार तरीका सीख लेंगे हम अपने डेली लाइफ में बोल पाएंगे और वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होना शुरू हो जाता है अगर किसी को कहना अपने काम से काम रखो तो आप कह सकते हैं माइंड योर बिजनेस ठीक है या माइंड योर ओन बिजनेस ठीक है जबान पर लगाम दो हमें पता है हम कहेंगे माइंड योर टंग ठीक है लेकिन यहाँ पे अगर आपको कहना है कि आपको इस काम से कोई लेना देना नहीं है ठीक है आपको इस मामले में मामले में या आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है उसे हम कैसे कहेंगे नन ऑफ योर बिजनेस एब्सोल्युटली इट इज नन ऑफ योर बिजनेस इट इज नन ऑफ योर बिजनेस आइए चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या आप अपने होश में हैं कई बार हम अपने दोस्त को भी बोलते हैं तू तो क्या बोल रहा है अपने होश में है क्या है ना सो so, क्या आप अपने होश में है यानी कि क्वेश्चन है तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा है ना कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है है तो प्रेजेंट वाला हेल्पिंग वर्ब आया है आर ठीक है ना आर यू इन योर सेंसेस इन योर सेंसेज का मतलब है होश में इन योर सेंसेज का मतलब है होश में तो क्या आप अपने होश में है आर यू क्या आप इन योर सेंसेज अपने होश में है अगर आपको किसी को कहना आई यू इन योर सेंसेज क्या तुम अपने होश में हो तो हम यही सेंटेंस कहेंगे ठीक है स्टूडेंट्स सो आई होप आज का भी सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा बहुत हेल्पफुल लगा एंड रिमेंबर फटाफट से आप लोग इस बैच में एनरोल हो जाएंगे क्योंकि इसका बिल्कुल स्टार्टिंग प्राइस है ये बैच का शुरुआत है तो ये आ, दो तीन दिन के लिए ऑफर प्राइस पे है ऑफर जल्दी ही एंड हो जाएगा फिर उसके बाद अगर आप लेट डिसीजन करेंगे तो आपको उसी कोर्स के लिए थोड़ा सा और प्राइस हो सकता है पे करना पड़ जाएगा ठीक है so, तो इसलिए फटाफट फड़ से आप लोग कोर्स में एनरोल हो जाइए एम डब्ल्यू एफ हमारी क्लासेस चलेगी आपको वैलिडिटी कोर्स की फोर मंथ्स की मिलेगी ठीक है मतलब फोर मंथ्स तक आपके पास कोर्स रहेगा आप इसको सुन के दोबारा रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस रहेंगी हमारी लाइव क्लासेस के बाद में अगर आप मान लो लाइव क्लास मिस करते हैं तो आप रिकॉर्डेड देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं चीज़ों को पी भी आप लोगों को मिलेगा और पी के साथ साथ आप लोगों को होमवर्कस में भी दूंगी मैं आप अपने कॉपी पर आपको क्या करना है जो भी मैं आपको होमवर्क दूंगी कि आपको ये ये सेंटेंसेस लिखना है

कल से 12 तारीख है यानी कि कल से हम लोगों का ये बैच स्टार्ट हो रहा है टाइमिंग होगा इसका साढ़े चार बजे सो मिलते हैं हम लोग बैच में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें पढ़ते रहें पढ़ते रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें जय हिंद एवरीवन